हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादोन और लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन उससे पहले आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन सीबीएसई की बात करूँ तो किडनी गार्डन लेके क्लास ट्वेल्व तक के सारी कोर्सेज आपको एब्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे प्लस वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ इतना ही नहीं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा सिक्स

एक सिंगल कमोडिटी और एक कंज्यूमर कैसे अपनी डिमांड को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि कौन कौन सा प्राइस ऑफ ओन गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस राइट और अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूँ तो ये सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे प्लस तीनों हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से भाई सीजन एंड वेदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम आ जाएगा एंड साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा अब ये सारे टॉपिक्स क्या हैं अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो मतलब सबसे पहले आपको पुराना वाला वीडियो जाके देखना क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड डिमांड कैसे होती है एक इंडिविजुअल डिमांड होती है एक मार्केट डिमांड होती है राइट right? तो क्विक रिव्यू हो गया आज हम क्या पढ़ने वाले उसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज डिमांड फंक्शन एंड कर्फ अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम डे वन से जब हमने इकोनॉमिक स्टार्ट किया था मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी मैं कर्व की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की राइट right? तो यहाँ पे भी जो हमारा टेबलर फॉर्म में जो शेड्यूल होगा उसको कैसे प्रेजेंट करना है वही हमारा कर्व होने वाला है तो आने वाले उसमें और डेफिनेशन देख लेंगे बट बिफोर दैट फंक्शन वाला फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना तो बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड फंक्शन की तो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स इट्स बेसिकली एन इक्वेशन इक्वेशन किसकी रहने वाली है डिमांड की लेकिन डिमांड की क्या इक्वेशन होगी डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं उसके जो डिटर्मिनें होते हैं ना उसकी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन एक बार क्विकली इसके डेफिनेशन देख लेते हैं सो डिमांड फंक्शन द द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट किसके जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी मैं बात कर रही हूं यहाँ पे डिमांड की डिटर्मिनेंस की ठीक है जो हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में देख के आ चुके हैं ठीक है तो उन सबको जो इक्वेशन में फॉर्म करते हैं ना दैट इज डिमांड फंक्शन उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है किस तरीके से कंज्यूमर अपनी प्रिफरेंस को बदल

तो भाई मेरा क्या बाइंग बिहेवियर रहने वाला है कितने पैसे पे मैं एप्पल्स खरीदने को रेडी हो जाऊंगी कितना मैं बार्गेन करूंगी या मैं उसमें कितनी कमोडिटी को परचेज करूंगी इन सारी चीज़ों से जब मैं डील कर रही हूँ ठीक है सो बेसिकली वन कंज्यूमर इज देयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल कमोडिटी एप्पल्स तो ये क्या हो गया इंडिविजुअल डिमांड सिमिलरली अब वही एप्पल्स ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ़ कंज्यूमर्स कितना चाह रहे हैं क्या उनकी डिमांड रहने वाली तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे मार्केट डिमांड तो जब सिंगल कंज्यूमर की बात कर रही है स्टूडेंट्स तो वो इंडिविजुअल डिमांड आ जाएगा अब सिंगल है यानी इंडिविजुअल है

कमोडिटी सपोज ये एक्स है की जगह आप एप्पल ले लो बनाना ले लो ठीक है कोई भी कमोडिटी शैम्पू ले सकते हो ठीक है ऑयल ले सकते हो राइस ले सकते हो एनी कमोडिटी वॉन्ट टू टेक दैट इज एक्स उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेटेड गुड्स में कौन सी कौन सी चीज़ें आती हैं एक आता है हमारे पास सब्सिट्यूट गुड्स एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे कि टी को कॉफ़ी से हम रिप्लेस कर सकते हैं आई नो देर आर लॉट ऑफ टी लवर्स आउट देय ठीक है बिल्कुल भी चाय ही पसंद है बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पिएंगे आई गेट इट लेकिन इकनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचिए हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती कि यार ठीक है आपको चाय पीनी है लेकिन नहीं मिल रही बट यू रियली वॉन्ट समथिंग यार कुछ गर्म हमें पीना है तो आप कॉफ़ी के लिए भी मान जाओ मतलब उसका सब्सिट्यूट है ठीक है इक्वल है लेकिन वहीं पे बात होती है सपोज कार एंड पेट्रोल की ठीक है तो अगर कार आपकी बंद पड़ गई तो आप ये तो नहीं बोलोगे भाई कोई बात नहीं तुम्हारे तो पास पेट्रोल नहीं तुम तो पानी डाल दो क्योंकि तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना उसके साथ वो चल ही नहीं पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर क्या होता है कि दोनों का साथ में साथ चलना जरूरी है जैसे कि पेन और इंक तुमने मुझे पेन पकड़ा दिया अब वो चलता है नहीं उसमें इंक है नहीं तो वो किसी काम का नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों साथ में चलते हैं राइट तो ये दोनों ही गुड्स को और कौन से कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं वैसे लेकिन और कौन से एग्जाम्पल्स आपके माइंड में है वो आप जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फाइन तो लेट स्टार्ट तो अगर डिमांड फंक्शन की बात करूँ उससे इक्वेशन मैंने बोला था यानी सारी ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं अब कौन कौन से इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेट्स है स्टूडेंट्स कौन कौन से थे सबसे पहले प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फाइन था हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ठीक है प्राइस ऑफ़ रिलेटेड गुड इट्स गिवन हेयर और रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स आपको दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि जब भी मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो उसमें दो चीजें आ रही हैं कौन कौन सी सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्पलीमेंट्री गुड्स वहीं पे जब मैं बात करती हूँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर को तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर मीन्स कि कितनी उसकी सैलरी है कितना वो कमा रहा है दैट इज द इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर उसके बेसिस पे तो डिमांड डिटरमाइन होती है ना अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो अकॉर्डिंगली मेरी डिमांड डिफर करेगी लेकिन अगर मेरे पास कम पैसा होगा तो उस हिसाब से मैं कम खर्चा करूंगी और देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने दो कॉन्सेप्ट और पढ़े कौन कौन से नॉर्मल गुड्स

प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम कैसे डिनोट करेंगे पी टी से फाइन इनकम ऑफ द कंज्यूमर को डिनोट करने वाले हैं हम वाई से नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो वो टी से होगा और नेक्स्ट हमारे पास आएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो एफ से होगा ठीक है तो इसी के डिमांड करके फंक्शन को फंक्शन का आपको एफ लगाना है देन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी की बात कर रहे हैं ये बन गया आपका पूरा डिमांड फंक्शन इट्स वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल भी और मार्केट भी अगर ये याद है ना तो ये पूरा बन गया तो डिमांड फंक्शन कुछ भी अनोखा जैसा कुछ नहीं है बस हम एक रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं कि जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ना डिमांड को उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को कैसे वो अफेक्ट करता है गॉट इट स्टूडेंट्स एक बार इसका क्विक आप ना जल्दी से स्क्रीन ले लो एंड देन वी विल कंटिन्यू फाइन जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए डन ग्रेट तो एक बार इसका रीडिंग भी कर लेते हैं सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग यानी मैं किसकी बात कर रही करी आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स द डिटर्मिनट्स ये सारे क्या हैं आपके डिटर्मिनट्स कौन कौन से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिनोटेड एज पी एक्स फाइन सेकेंड हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिनोटेड एज पी टी इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर को हमेशा हम वाई से डिनोट करते हैं देन हमारे पास आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को टी से करेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की किसके बात करेंगे एफ से आपको वैसे बस ब्रैकेट करना है यहाँ पे एफ लगाना है एंड डी एक्स और आपका पूरा इक्वेशन बन गया फाइन डन चलो नेक्स्ट So, अब आते हैं हम लोग मार्केट डिमांड पे अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है आई अंडरस्टैंड कॉमन सेंस इज नॉट एट ऑल कॉमन है ना कई बार हमें लगता है कि बहुत सिंपल है हो जाएगा लेकिन जब करने बैठते हो तो समझ नहीं आता तो so, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखने की अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में जब मैं इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के ले रही हूँ तो भाई मार्केट डिमांड में मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेट्स को लेने वाली हूँ कौन कौन से हैं क्या बोला था सारी चीज़ें पहले इंडिविजुअल की आ जाएंगी बिकॉज हर एक इंडिविजुअल को जोड़ के ही तो मार्केट बनता है ना तो यानी हम इंडिविजुअल की सारी चीजों को ऐड करेंगे कौन कौन से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो ये हमारे हो गए पांच इसमें और कौन से तीन ऐड होने वाले हैं कौन कौन से तीन ऐड होने वाले हैं स्टूडेंट्स दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज के बाद साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अब देखो पी एक्स क्या है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्टूडेंट्स पी टी इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड पी ओ इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ठीक है तो ये सारे क्या है हमारे डिमांड फंक्शन अब देखो मार्केट डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे एफ लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा प्राइज ऑफ गिविन कमोडिटी प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर ठीक है, goods, है? हमारे पास क्या आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देन हमारे पास आएगा साइज एंड कम्पोजिशन सीजनल फैक्टर जो यहाँ पे गिवन हुआ है सीजन एंड वेदर एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डी बस मैंने ब्रैकेट लगाया और मेरा पूरा का पूरा मार्केट डिमांड फंक्शन इज रेडी कुछ नहीं करना है आपको बस इक्वेशन बहुत सिंपल याद रखना अगर आपको पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स कि इसको डिनोट करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंबल फाइन तो ये सारे तो फर्स्ट नेम है बस आपको पी एक्स पी ओ पी ओ डी का नाम ये याद रखना है ठीक है कि ये तीन क्या है प्राइज ऑफ अमोडिटी है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सेंड पीओ इज बेसिकलीपुलेशन गॉट एट स्टूडेंट फाइन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट दिस वन दैन ये इंपॉर्टेंट है ये रही आपकी इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सीरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देन ओके सो लेट्स क्विकली रीड इट सो मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंशनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट वहीं पर इंडिविजुअल डिमांड क्या था हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड और उसके फैक्टर्स को क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई मार्केट डिमांड और उसके फैक्टर्स का अफेक्टिंग जो कर रहे हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है दैट सेट उससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलनी ना आपको टेंशन लेनी है क्या याद रखना है सबसे पहले कि ये कैसे डिनोट करना है मैंने आपको बताया कि आपको डिटर्मिनेंस याद होने चाहिए उसके बाद आराम से आप ये लिख सकते हैं फाइन ओके okay, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास आता है स्केड्यूल जिसको हम शेड्यूल भी बोल सकते हैं ठीक है मैंने आपको पहले ही दिन जब हम सिलेबस को ओवरव्यू कर रहे थे बुक ओवरव्यू कर रहे थे मैंने आपको समझाया था कि शेड्यूल की बात कर रही हूँ तो मैं टैबले रिप्रेजेंटेशन की बात करी मतलब कोई डेटा जिसको मैं एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ठीक है जैसे कि हमारे पास हो गया ए बी सी हो गया प्राइस और क्वांटिटी तो ये क्या है हमने किसी डेटा को टैबलेट फॉर्म में डाला है अब इसी टैबलेट फॉर्म को जब मैं ग्राफ के थ्रू है ना ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगी स्टूडेंट्स दैट विल बी अ कर्व सो कर्व क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और शेड्यूल क्या है हमारा या शेड्यूल क्या है हमारा टैबलेर रिप्रेजेंटेशन फ़ाइन

माइक्रो में जब आप मनी सप्लाई पढ़ते हैं उसमें भी हम बोलते हैं एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम तो ये आपको ना कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी आधी अधूरी डेफिनेशन किसी ने लिखी ना तो किसी को नंबर नहीं मिलने तो सबसे पहले याद रखना है कि डिमांड शेड्यूल की बात करें कि एक टैबलेट रिप्रेजेंटेशन है डेटा का ठीक है हम वेरियस कमोडिटीज़ को साथ में कंबाइन करके लिखते कहाँ पे जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या होता है हमारे पास डिमांड स्कड्यूल फाइन जल्दी से इसका आपको स्क्रीन लेना है Then, चलो अब हमारे पास आता है आप देखो डिमांड दो तरीके की हम पढ़ रहे हैं ठीक है एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं एक मार्केट डिमांड पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है जब हम शेड्यूल ही पढ़ेंगे तो उसमें भी दो टाइप्स होंगे राइट तो शेड्यूल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व ठीक है तो इंडिविजुअल डिमांड में मतलब वन सिंगल प्राइस एंड वन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि एक प्राइस पे कैसी कमोडिटीज को परचेज कर रहा है तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है ठीक है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप आप सभी ने लॉ ऑफ डिमांड अभी आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हो लेकिन इतना तो मैंने आपको समझाया था जब डिमांड पढ़ रहे थे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं कमोडिटी की और क्वांटिटी डिमांडेड यानी कस्टमर कितनी डिमांड कर रहा है इन दो चीज़ों को देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं यानी सारे डिटर्मिनेंट्स जो तो हैं जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अलावा हैं जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और भी जितने भी हमने डिटर्मिनेट्स पढ़े ना सबको हमने कर दिया टाटा बाय बाय हम किसको देखने वाले हैं से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी उसमें डिमांड कर रहा है और हमने ये अज्यूम किया है हमने ये माना है कि भाई जब भी कोई चीज़ महंगी होगी ना तो उसकी डिमांड कम होगी सो वेन एवर देर इज इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड विल फॉल सिमिलरली वेन एवर देर इज डिक्रीज़ इन प्राइस द डिमांड विल राइज तो इसका मतलब क्या है उन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है यानी जब भी प्राइस बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है महंगी चीज़ कौन खरीदना चाहेगा तो उसकी जो डिमांड है कम हो जाएगी वहीं पर उल्टा हो गया प्राइस कम हो गया कोई चीज सस्ती में नहीं लगी तो भाई हम थोक में भरने लगते हैं ना सो दैट इज बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड बॉट इज स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ पी और क्यू की पी क्या है हमारा प्राइस एंड क्यू इज फॉर क्वांटिटी फाइन तो अगर इस तरीके का हम टैबले रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिर्फ एक कमोडिटी को लेके कि प्राइस में क्या चेंज आ रहा है और उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ इंडिविजुअल स्केड्यूल इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है सो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रिफर्स टू अ टैबलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस कमोडिटीज और क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइज ड्यूरिंग अ गिवन अगेन ड्यूरिंग अ गिविन पीरियड ऑफ अ टाइम लिखना जरूरी है अपनी नोट्स में भी आपको लिखना है फाइन चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले डन फाइन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स की क्या हमारा होने वाला है शेड्यूल ठीक है शेड्यूल क्या है मैंने आपको बोला टैबलेट रिप्रेजेंटेशन है किसकी बात करें इंडिविजुअल डिमांड की मतलब सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं किस पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे हमने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड क्या है छोटा सा ओवरव्यू लिया अभी पढ़ा नहीं है डिटेल में लेकिन इतना तो पता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कि भाई जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी वही प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे देखिए प्राइस का अगर बात करें फाइव फोर थ्री टू वन प्राइस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स नीचे जा रहा है अगर ये नीचे जा रहा है तो भाई डिमांड तो हमारी बढ़नी है जी तो क्या हो गया एक से पाँच पे आ गए मतलब हमारी डिमांड बढ़ गई अब इसको क्या है मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी एक टैबलेट फॉर्म में जहाँ पे सिर्फ एक प्राइस और एक कमोडिटी की कैसे डिमांड चेंज हो रही है क्वाटिटी की सिर्फ उसको कैलकुलेट हमने किया तो ये क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फाइन चलो नेक्स्ट हमारे पास आता अगेन मार्केट डिमांड शेड्यूल के सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन की फिर मैं आपको समझाती हूँ राइट right?

प्राइस हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है फॉल कर रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है और जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है ये जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है दैट इज़ मार्केट डिमांड मतलब हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को जब जोड़ देती हूँ उसको मैं बोलती हूँ मार्केट डिमांड तो ये हमने इसको टेबल में रिप्रेजेंट किया तो ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया फाइन चलो अच्छा एक बार ना इसका भी आप स्क्रीन ले लो ठीक है एग्जाम्पल्स क्योंकि मैंने बोला है इकोनॉमिक्स विदाउट एग्जाम्पल्स इज नथिंग तो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए देन चलो अब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि कैसे आप लोग कोई डिमांड स्कड्यूल बना सकते हो मार्केट डिमांड के केस में ओके okay? नेक्स्ट अब हम आते हैं भाई डिमांड कर्व क्या होता है तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्कड्यूल है ना तो सिंपल सी बात है डिमांड कर क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका डिमांड स्कड्यूल का वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर क्या हो जाएगा भाई इंडिविजुअल डिमांड कर वो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका भाई इंडिविजुअल डिमांड स्कड्यूल का सिंपल सी डेफिनेशन है फाइन इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा फाइन चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट डिमांड कर मतलब वो क्या होगा रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड स्केड्यूल का और इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा गॉट इट अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व स्लोप क्या होता है बताता है कि भाई आपका जो ग्राफ है अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्यों है ठीक है क्या रीजन है ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है तो अगर तो मैं डिमांड की बात करूँ स्टूडेंट्स तो दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डिमांड करके स्लोप के बारे में पता चल जाएगा ठीक है सो लेट्स गिव अ क्विक रीडिंग सो स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सेस अब देखो किस तरीके से ग्राफ बनता है दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस ठीक है वाई पर हम यूजली प्राइस लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ठीक है जस्ट अ सेकेंड थोड़ा और क्लियर बना देते हैं क्लियर समझ आ रहा है कि भाई क्या लिखा है हमने ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा चेंज इन प्राइस यानी हम y एक्सेस को देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन द एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी यानी कितना प्राइस में चेंज हुआ है कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे स्लोप मिल जाता है फाइन सो ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड द डिमांड डाउनवर्ड क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप अपोजिट है इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फाइन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और द स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व सो इट इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी यहां पे हम एब्सोल्यूट चेंज देखने वाले हैं परसेंटेज चेंज नहीं है यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज नहीं लिखा है तो परसेंटेज चेंज नहीं है यहाँ पे आपको याद रखना है ठीक है यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा गया नंबर्स बताओ मुझे कि कितना घटा कितना बढ़ा ठीक है अभी एग्जांपल देखें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पर उससे पहले एक बार इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिए डन चलो नेक्स्ट है हमारे पास इसका कैलकुलेशन कैसा है हमने क्या पढ़ा था भाई वाई एक्सेस का चेंज पे डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस का चेंज ऐसा पढ़ा हमने यह हमने पढ़ा कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी तो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स ये पे आपको प्राइस गिवन है ठीक है पहले जो हमारा प्राइस था दैट इज़ फोर तो अभी क्या हो गया बढ़ के ये हो गया एट यानी कितना चेंज आया हमारे पास स्टूडेंट्स फ़ोर का ठीक है वहीं पे क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी हमारे पास फोर थी अब कितनी हो गई कम हो होकर भाई टू हो गई तो यानी चेंज कितना आ गया टू का तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस में आ रहा है मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव स्लोपिंग दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व फाइन इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और ये वाला ग्राफ भी आपको बनाना है ठीक है Done. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो था जहां पे हमने कवर किया कि भाई मार्केट डिमांड क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है उसके कर्व क्या होते हैं डिमांड फंक्शन कैसे डराइव होता है जहां पे हमने कोई एक रिविजन भी कर लिया कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है लेकिन इसके बाद ये मतलब नहीं कि आप पुराने वीडियोस ना देखें सबसे पहले आपको आप बेस क्लियर करना है अगर बेस क्लियर होगा ना तभी जाके हम लॉ ऑफ डिमांड को समझ पाएंगे सो दैट इज वाइल रिक्वेस्ट यू कि जो भी वीडियो मिस हुए ना सबसे पहले जाके आपको उसको देखना है ये वाले वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो बाकी आपको फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैग् Brains, एक है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो हिंदी की सारी चीजों को हम कवर करते हैं एनसीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को कवर किया जाता है ई एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो नॉट जस्ट सीबीएसई डिफरेंट फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड ऑल्सो जैसे कि डेही बोर्ड बिहार बोर्ड यू पी बोर्ड एम पी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और सिर्फ हमें यूट्यूब पर नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको हमें फॉलो करना है जैसे कि हमारा टेलीग्राम है इंस्टाग्राम है फेसबुक है ट्विटर है वी आर एवरी वे है सू हैव टू फॉलो अर्स ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो फिर भी कोई डाउट हो ना तो हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट को जाकर वो रिफर कर सकते हैं होपफुली वीडियो अच्छा लगाओ आगे भी बढ़े रहना है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड राइट तो उसको स्टडी करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग